नमस्ते, मैं डॉक्टर शिल्पा, आयुर्वेदा कंसल्टेंट, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल पे। आज हम एक ऐसे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो कि ना सिर्फ डिजीज़ को क्योर करता है बल्कि आपके हेल्थ को भी एक नॉच अप लेकर जाता है। हाँ जी, आज हम जानेंगे पंचकर्मा के बारे में कि ये थेरेपी क्या है, ये कैसा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, किस तरह से ये आज के लाइफस्टाइल में हमारे लिए हेल्पफुल है। दवाइयों तक तो ठीक है, लेकिन ये पंचकर्मा क्या होता है? पंचकर्मा का अर्थ है पांच शोधन क्रियाएं। ये दो संस्कृत शब्दों से मिलकर बना है, पंच प्लस कर्म। ये पांच शोधन क्रियाएं हैं वमन, विरेचन, वस्ति, शिरोधारा और नस्य। हमारा शरीर वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के एक बैलेंस से मेंटेन होता है। रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट्स, सीजनल वेरिएशंस, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस, स्ट्रेस फैक्टर्स, इन सब की वजह से इन तीनों का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे शरीर में अलग अलग चैनल्स में जाकर स्टोर हो जाते हैं। वहाँ रहकर ये अलग अलग तरह की बीमारियों को पैदा करते हैं। पंचकर्मा में शरीर को अलग अलग प्रोसीजर से तैयार किया जाता है, इन टॉक्सिन्स को सॉफ्ट किया जाता है और इन प्रोसीजर्स को यूज़ करके इन टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकाला जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि पंचकर्मा किस तरह से किया जाता है। पंचकर्मा में तीन मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आता है पूर्व कर्म। पूर्व कर्म के अंदर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। ये प्रोसीजर्स शरीर को तैयार करते हैं आगे के मेन प्रोसेस के लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पंचकर्मा। पंचकर्मा में जो पांच प्रोसेस हैं वमन, विरेचन, वस्ति, शिरोधारा, नस्य, इनसे दोषों का, प्रकृति दोषों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। इन पंचकर्मों को हम पेंटा बायो प्यूरिफिकेशन मेथड्स के नाम से भी समझते हैं। ये एक ऐसे बायो क्लिनजिंग प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की डीप क्लिनजिंग करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है शिरोधारा। शिरोधारा में वाटर, मेडिकल कॉन्कशंस और मेडिकेटेड ऑयल्स हमारे फोरहेड पे पोर किए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर रेट पे, डिपेंडिंग अपॉन हमारी क्या मेडिकल कंडीशन है। इसके बाद आता है नस्य। नस्य में मेडिसिंस को नॉस्ट्रल में डाला जाता है। इसके बाद आता है हमारा वमन। वमन इज अ प्रोसेस दैट इज अ थेरेप्यूटिकली इंड्यूस्ड एमेसिस। शरीर को पूरा पूर्व कर्म में स्नेहन स्वेदन के बाद तैयार करके अच्छे से मेडिसिंस के पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस के साथ वॉमिटिंग को इंड्यूस किया जाता है। इसके बाद है विरेचन। विरेचन में ये भी एक थेरेप्यूटिक प्रोसेस है जिसमें हम थेरेप्यूटिकली पर्गेशन इंड्यूस करते हैं। लास्ट हमारा है वस्ति। वस्ति में जो हमारे एक्सटर्नल ऑरिफिसेस होते हैं उनके थ्रू मेडिसिंस को बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके बाद आता है पश्चात कर्म। पश्चात कर्म में इन शोधन क्रियाओं के बाद कैसे शरीर को नॉर्मल रूटीन में एडजस्ट करना है और क्या मेडिसिंस उसके बाद चलेंगी उनके बारे में विचार किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि पंचकर्मा किन किन डिजीजेज में यूज़ हो सकता है। पंचकर्मा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बैकेक, माइग्रेन्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, आर्थराइटिस, इन सभी डिजीज़ में पंचकर्मा का एक बहुत ही मेजर रोल है। जिन पांच कर्मों की हमने बात की थी और उनके साथ उनके पूर्व कर्म, इन सब का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि डिजीज़ कैसी है, पेशेंट की स्ट्रेंथ कैसी है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हम एक इंडिविजुअलाइज प्लान उसके लिए क्रिएट करते हैं। आई होप पंचकर्मा के बारे में जानकर, इसका इसके प्रोसीजर को समझकर, इसके बेनिफिट्स को जानकर आप लोग को सबको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए टाटा वन एमजी के साथ जुड़े रहें। नमस्ते।